केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गोरखपुर में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की 18 परियोजनाओं के शिलान्यास लोकार्पण समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने यूपी की सड़कों को अमेरिका जैसे बनाने की बात को याद करते हुए कहा कि 2014 के बाद उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई दोगुनी बढ़ गई है। साल 2024 के समाप्त होने तक उत्तर प्रदेश में 5 लाख करोड़ रुपए के रोड पर काम किया जाएगा। वहीं सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी हिंदुस्तान का सबसे सुखी, समृद्ध और संपन्न प्रदेश बनेगा। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए उनकी तुलना भगवान श्री कृष्ण से भी की। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में यह कहा है कि जब जब दुष्ट प्रवृत्ति समाज के लिए घातक, अन्यायी और अत्याचारी लोगों का प्रभाव बढ़ता है तो लोगों की रक्षा के लिए मैं अवतार लेता हूँ, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में योगी जी ने सज्जनों के रक्षार्थ दुर्जनों के खिलाफ कठोर कदम उठाए हैं। सीएम योगी के शासन में सज्जनों में आत्मविश्वास बढ़ा है। जब जब अन्याय होता है, अत्याचार होता है तो मैं अवतार लूंगा और दुष्टता को और दुर्बलता को मैं पूरी तरह समाप्त करूंगा, ऐसा जिस प्रकार से श्री कृष्ण जी ने कहा और किया था, उसी प्रकार से योगी जी ने जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग थे, जो समाज के लिए घातक थे, जो सज्जन लोगों पर अन्याय अत्याचार करते थे, उन सज्जनों के रक्षणार्थ जो उन्होंने बहुत ही कठोर कदम उठाया है, इसके लिए व्यक्तिगत रूप से और देश की जनता की ओर से मैं योगी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ।